देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और मध्य प्रदेश की राजनीति में और खास तौर पर विधानसभा परिसर में भी देने वाले ने छप्पर फाड़ कर देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे माननीयों की। ये वही माननीय हैं जिन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सदन में जब बात रख रहे थे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार खजाना खाली छोड़कर जरूर गई है, लेकिन जितना हो सकेगा कोशिशें करेंगे। एमपी न्यूज की इस खास खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ महेंद्र सिंह। और आखिर कैसे एमएलए मालामाल होने वाले हैं, और आखिर क्या वजह रही कि जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा ने इस बात का प्रस्ताव रखा तो ध्वनि मत से क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ही दलों के तमाम एमएलए ने, तमाम विधायकों ने इसे अपनी सहमति दे दी और इस पर अपना समर्थन दे दिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को लेना था फैसला, तो कमलनाथ जी ने भी हाथों हाथ इस पर हामी भर दी। यानी कि अब एमएलए होने वाले हैं मालामाल, क्योंकि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। सबसे पहले देखिए ये खास खबर जो कि आपको पूरी तरह से झंझोर कर रख देगी। विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधायक निधि बढ़ाने का मुद्दा उठाया, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने भी समर्थन दिया। दरअसल जनता से जुड़े विकास कार्य करने के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये मुद्दा उठाया। भाजपा का कहना है कि सरकार विकास के एजेंडे पर फेल है, इसलिए वे अपनी विधायक निधि के पैसों से विकास करेंगे। पूरी तरह से विकास के मामले में फेल हो गई, पूरी गर्मी में पैसे की कमी और इसकी प्लानिंग के कारण जनता को पानी नहीं मिला। बरसात आ गई है, गड्ढों रोड के गड्ढे नहीं भर रहे। ये छोटे छोटे से काम जो थोड़े से बजट में हो जाते हैं, पर सरकार का कोई भी विभाग ऐसे डेवलपमेंट के विकास के काम नहीं कर रहा। इसलिए आज हमने मांग उठाई कि हमारी विधायक निधि ही बढ़ा दीजिए, हम जनता की सेवा कर सकें, हम जनता के बीच जाएं। और इस सदन में तो लगभग आधे आधे विधायक हैं, यदि विधायक निधि बढ़ेगी तो कांग्रेस के विधायकों को भी मिलेगी। हमने कहा 5 करोड़ रुपये विधायक निधि करें, आप कुछ विकास नहीं कराए तो हम तो जनता का विकास करा पाए। सभी दलों के विधायकों ने उठाया था, अगर जनहित में कोई राशि खर्च होती है तो मैं पक्षधर हूँ। वहीं सदन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि विधायकों को निराश नहीं होने देंगे, इस मामले में जो भी होगा किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का सुझाव अच्छा है और सभी विधायकों का है। हालांकि हमें पूर्ववर्ती सरकार से प्रदेश का खजाना खाली मिला है, इसके बाद भी जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि विधायक निधि जो भी चीज़ है जनता के हित के लिए, विधायक जनता का चुना हुआ होता है, जनता के लिए काम करता है, तो मैं विधायक निधि बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए ये मुद्दा अलग है, पर हमें विकास के लिए राशि उपलब्ध हो, इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व है कि हम इस सरकार को ठीक से चलने दें, और चल करके हम जो जनता से ही पैसा आता है, जनता का टैक्सों के रूप में, उसका सही सदुपयोग हो। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं कई बार दे चुका हूँ, भरने का काम भी शुरू हुआ है, जहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं और जो बिचौलिए बीच में हैं पैसे को हजम कर जाते हैं, सरकार के राजस्व में जमा नहीं होता, उस पैसे को सरकार के राजस्व में जमा कराने का पूरी ताकत से हम काम करेंगे, जो अच्छी योजनाएँ हैं उनको क्रियान्वित करेंगे और फिजूल खर्ची को रोकेंगे, इससे हमारा खजाना भी भरेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उसको हम लोग पूरा भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें हम प्रोविजन करेंगे, क्योंकि विधायक निधि में विधायकों की हम समझते हैं अपने क्षेत्र में विकास के प्रति उस निधि का उपयोग करना रहता है, तो उसमें हम समझते हैं कहीं ना कहीं अगर कहीं थोड़ी बहुत कटौती होगी तो कहीं बढ़ाएंगे, तो विधायक निधि का बढ़ाने का प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया है। अब वो कितनी राशि बढ़ाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, वो कमेटी बनाने की बात कही है, पक्ष और विपक्ष के विधायक साथी बैठ के चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ तय करेंगे, तो उसके लिए हम समझते हैं जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था बनाएंगे। सकारात्मक पहल है, क्योंकि चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, क्योंकि अपने क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए हमको चुन के भेजा है, हमको ज़्यादा विधायक निधि मिलती है तो हमको ज़्यादा विकास करने को मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार हैं, सजग हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सकारात्मक पहल
हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि हमें खजाना खाली मिला है, अब उसमें जितनी संभावना होगी, जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ राशि बढ़ाएंगे, ऐसा संकेत दिया है। बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2016 में विधायक निधि में इजाफा किया था, तब निधि को 79 लाख से बढ़ाकर 1,85,00,000 कर दिया गया था। अब 3 साल बाद फिर से विधायक निधि बढ़ाने की चर्चा चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। सही मायनों में क्या एमएलए को मालामाल बना जो प्रस्ताव है, ये जनता को पसंद आएगा? और क्या वाकई में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का ये नया फैसला, जो कि फिलहाल संकेतों में ही सही सामने आ रहा है, इसे लेकर जनता की क्या राय बनती दिखाई देती है? सब तमाम जानकारियां लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, बहुत दिलचस्प मामला है। कहा यह जाता है कि माननीय जनता की सेवा के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो अब जब एमएलए मालामाल होंगे तो क्या वाकई में जनता इसे पसंद करेगी? और फिलहाल ऊपरी तौर पर ही सही, जब ये बात सदन से बाहर निकल कर आ रही है तो जनता की पहली प्रतिक्रिया क्या है, और एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम का एडिटोरियल वर्डिक्ट आखिर बनता क्या है? जी महन जी, बताना चाहूँगा, विधानसभा में विधायकों की जो एक बजट होता है जिसे विधायक निधि कहा जाता है, उसे बढ़ाने की मांग की गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये पूरी मांग रखी विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने पूरी मांग रखी कि जो विधायकों की जो निधि है उसको बढ़ाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये पूरा प्रश्न विधानसभा के दौरान गुंजा, तो जो तमाम जो विधायक थे सभी ने समर्थन किया, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या निर्दलीय, सभी ने इस जो पूरा एक डिमांड थी विधायक निधि को बढ़ाने की, इसको समर्थन किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर सीएम कमलनाथ ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अभी जो वित्तीय हालत है काफ़ी ख़राब है, और माली हालत बहुत ख़राब होने के बावजूद ये जो विधायकों के हक में एक फैसला है वो लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर उनकी बातों में उन्होंने संकेत दे दिया है कि आगामी दिनों में विधायकों की जो विधायक निधि है वो बढ़ा दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2016 में जब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, 2016 में विधायक निधि को बढ़ाया गया था, और इसमें करीब 79 लाख की जो है इंक्रीमेंट किया गया था। और अभी जो फिलहाल विधायक निधि है वो 1,85,00,000 है, और माना जा रहा है कि इसमें भी वृद्धि होगी, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों के हक का फैसला है और हक की बात है, ऐसे में मैं सभी विधायकों के साथ में हूं, और जो भी बन पड़ेगा विधायक निधि को इंक्रीमेंट किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। बहरहाल इस पर कितना इंक्रीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे विधायक निधि बढ़ेगी तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में विधायकों की खुद की जो सैलरी होती है, वेतन होता है, उसको बढ़ाने की भी बात हो सकती है। बहरहाल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं विधायक निधि को, तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आए, चर्चा करें, और आखिरकार जो भी मंथन निकलेगा, आखिर कितने लाख पर स्वीकृति दी जाएगी, कितने लाख से इस पूरे मामले को बढ़ाया जाएगा, या यूं कहें कि जो विधायकों की जो एक निधि है उसको कितने लाख से बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सीएम कमलनाथ का ये जो मूवमेंट है, या यूं कहें कि जो उनका एक संकेत है, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आगामी दिनों में विधायक निधि बढ़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा महन जी, जिस प्रकार से यदि विधायक निधि बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं जो धीमे पड़ जाते हैं, कई बार विधायक निधि खत्म हो जाती है, लेकिन जो विकास के कार्य हैं वो लगातार डिमांड आती है, तो ऐसे में यदि विधायक निधि बढ़ती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास होंगे, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र का विकास करेगा अगर उसके पास निधि होगी तो। निश्चित तौर पर यह कमलनाथ सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने लाख इस विधायक निधि में बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यह कह सकता हूं सीएम कमलनाथ ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि एक तरफ जो वित्तीय हालत है काफी नाजुक है, और माली हालत के चलते कई जो योजना है उन पर भी ब्रेक लग गया है, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान रखा है कि कई बार इस तरह की जन समस्याएं आती, लोग जन आंदोलन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ऐसे में अगर विधायक निधि बढ़ती है तो निश्चित तौर पर यह विधायकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि विधायक निधि रहेगी तो ही तो क्षेत्र का विकास हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप और हम अब तैयार हो जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन सा नया कर का बोझ आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है, और यहाँ पर दुहाई दी जा रही है कि जनता की सेवा के लिए, विकास के तमाम कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए ये वृद्धि की जाएगी, लेकिन
इसका सीधा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोझ क्या जनता की जेब पर पड़ने वाला है, यह हमें आने वाला कल बताएगा। एपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। यदि आप ये खास कार्यक्रम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। यदि आप ये खास कार्यक्रम फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जरा भी ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।